अर्चना जी, चैनल की तरफ से एक मेल आया कि सेट से दूध, कॉफी, चाय पत्ती और फ्रूट्स चोरी हो रहे हैं। चोरी करने वाले ने माइक्रोवेव भी उठाने की कोशिश की, लेकिन हमने वेल्डिंग किया हुआ था इसलिए बच गया। आपको क्या लगता है अर्चना जी, कौन होगा? तू मेरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, मुझे तो कन्फर्म है आपका। मैं तो ये प्रोडक्शन वालों का शक दूर कर रहा हूँ। ओहो, तो मैं मेहमान आते हैं, कभी कभी रहन दिया करो फ्रूट वगैरह। अब हम आपको वैसे ड्राई फ्रूट भेज दिया करेंगे। अच्छा, भेजना। तो हाँ, वो तो उस हिसाब से। तो चलिए बुलाते हैं हमारे आज के मेहमानों को। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड कपल, एक्टर एंड मॉडल नेहा धूपिया एंड मिस्टर अंगद बेदी। ओ भाई, सुनो मेरी गल। देखो मैडम, एक बार जोरदार तालियां अंगद और नेहा के लिए। हमारी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नेहा, आपका, आप तो पहले भी आ चुकी हैं। बिल्कुल, तो फिर भी मतलब स्वागत तो कर दो ना, अगर पहले आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में दूसरी बार कोई आए तो यू वोंट से वेलकम। मौका नहीं मिलने वाला आपको। मेरे तो आज एपिसोड में आई है, आपसे तो शादी हुई है। वही तो मैं कह रहा हूं, 3 साल होने लगे। सॉरी सॉरी, बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अंगद तो मिलते रहते हैं, क्या बोलूं मैं। तो आपको पता ही होगा, बड़ी प्यारी सी बिटिया हुई है। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। और बहुत 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 मुबारक आपको, आपकी बिटिया कितनी प्यारी है। आपको किसी दूर की बुआ या फूफी का फोन तो नहीं आया कि बेटी हुई है, 51,000 शगुन दो? नहीं नहीं है। नहीं, इस बार लेट हो गई आप। मतलब बेटी आपकी हुई है तो हमें आपको शगन देना है। एक्चुअली उल्टा है इनका। अच्छा। हाँ, अगर आप नहीं दो इनको तो फिर ये परमेश्वर को भेजती हैं। अच्छा, वो फिर चाबुक नहीं होता बोला। हाँ। गुड़ 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 गुड़। अपने आप को मारते हैं 1,000 चाबुक अगर आप उनको पैसे ना दो। नहीं नहीं, माफ करो, मैं शगुन दे दूंगी। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी। 2016 में मैं यहाँ पर आया था। अच्छा। और मैं ऑडियंस में बैठा था, और आज 2020 है, थोड़ा बहुत मैंने काम किया। एंड आई फील दैट एज एन एक्टर, हर किसी एक्टर का एक ड्रीम होता है कि वो इस शो पर आए, बिकॉज आई फील दिस इज द नंबर वन शो इंडिया हैज। एंड टुडे टू बी ऑन योर सेट सर, इस मंच पर खड़े होके, आई थिंक आई हैव डन समथिंग राइट इन माय करियर। बाजी, आई लव यू। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस सेट। थैंक यू नेहा, आप लोग आए। नकली मुस्कान क्यों? अरे नकली नहीं है, नकली है मेरी निकलती आजकल इतनी, मेरी शादी हो गई ना। आइए आइए बैठिए। अच्छा, आप सबको पता ही है, गुंजन ने हाल ही में अंगद सक्सेना की थी। सॉरी, अंगद ने हाल ही में गुंजन सक्सेना की थी। उससे पहले तो मतलब गुंजन सक्सेना से पहले पिंक टाइगर जिंदा है, सूरमा, जोया फैक्ट्री जैसी फिल्में की, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो आज ही आया होगा ना। हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या थोड़ी अपनी प्रमोशन करता रहता नेहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेहा का एक शो आता है टीवी पे, उसमें ये कंटेस्टेंट्स को बड़े मुश्किल मुश्किल टास्क देती हैं। हाँ। उसके बाद जब वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाके उनको अपनी टीम में लेती हैं। हाँ। तो मैं सोचता हूँ वो तो टीवी शो है, इनको आपने एज ए हस्बैंड अपॉइंट किया हुआ है। हाँ। इनसे कितने टास्क करवाए होंगे आपने? पूछो ना, रोज करता मैं, रोज टास्क करता, सवेरे उठ के सॉरी बोलना, रात में सोने तो पहले सॉरी बोलना। नहीं नहीं, अंगद की ना एक ही पॉलिसी है, मैं सुबह उठ के ही सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि आज मैंने 10 बार या 15 बार ये गलती तो करनी है, करनी तो वो है। उस गलती के लिए पहले ही सॉरी बोल देता है। कई कई बार वैसे इंसान अच्छा होता है, वैसे सॉरी बोल देता है, गलती जरूरी नहीं। कई हो, थैंक यू पाजी, थैंक यू। हाँ पाजी, मतलब ये अगर ये वो गैंग अप होना है, 2 अगेंस्ट 1, हमारी क्या मजाल, हम गैंग बना सके आपके सामने तो हम भी तो है, 2 अगेंस्ट 2 हो जाएंगे। नहीं नहीं, आदमी आदमियों का, लड़कियों लड़कियों का, लड़कियों का आदमी। जैसे अर्चना जी परमेश्वर को रोज टास्क देती हैं, यदि अगर तुम जीते तो खाना तुम बनाओगे, और अगर मैं जीती तुम पराठे बनाओगे। मतलब कोई भी जीता है, पेट उनको अपना भरना है, तो ये माहौल है। पर ठीक है। अच्छा, पर भाजी वैसे कैसा मजा आ रहा है शादी के बाद? जी बिल्कुल। लाइफ में क्या चेंजेस आया आपको, लगता है आप में कोई चेंज आया? हाँ जी, चेंजेस बहुत आए जी। मैं बहुत पेशेंट हो गया हूँ, पेशेंट भी हो गया। हाँ, दोनों तरीके का पेशेंट हो गया हूँ। ऑल्सो शी इज बीन द लव ऑफ माई लाइफ, एंड काफी इन्होंने मुझे भगाया है। हम लोगों ने एक पिक्चर भी करी थी थोड़े टाइम पहले। अच्छा। जहाँ मुझे इनसे प्यार हुआ था, रीजनल पंजाबी पिक्चर थी जी वो। अच्छा जी। हाँ जी, तो मैं उत्थे भी चक्कर काटे। तो आपने क्या सोचा, फिल्म रीजनल है तो हीरोइन को ही सेट कर लो, मतलब ऐसे? नहीं नहीं, मैं गया थी ना सेट करन, मैं तो इनके पेरेंट्स तक भी पहुंच गया था। अच्छा। कि चलो टू शो ना, यू नो, वेरी नॉट जस्ट एलिजिबल नाइस बॉय बट ऑल्सो फैमिली। तो आपको डर नहीं लगा वो एक्स नेवी ऑफिसर कहीं आपको समुद्री जहाज पे ले जाते हैं? हम भी तो स्पोर्ट्समैन के बेटे हैं।
अच्छा जब बेदी साहब को आपने पहली बार बताया, बिशन सिंह बेदी साहब को जब नेहा के बारे में आपने बताया, तो क्या बोले फिर, क्या रिएक्शन था उनका, स्पेशली जब आपने बताया कि पापा मैं शादी करने जा रहा हूँ? He said, बेटा कुएं च गिनना जरूरी है. ये तो मेरे को पहली बार पता चला है. पर फिर नेहा आपको चेंजेस नजर आए अंगद में? नहीं, आई मीन ज्यादा मेरे को चेंजेस नहीं नजर आया अंगद में, बट व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू व्हाट ही इज नाउ डिफरेंट. कैसे मतलब? जैसे ना, आई वुड लव वन थिंग दैट अंगद वुड डू फॉर मी इज मतलब मेक चाय. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, पर मेरे को ना लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिला था जिसको चाय बिल्कुल टॉप क्लास की बनानी हो. अच्छा. अंगद इज, मैं चाय बड़ी चंगी बनाना. या वेरी, ही इज अ वेरी गुड कुक. और उसका ना वो चाय बड़ी अच्छी बनाता है. मुझे बहुत, वैसे भी बहुत प्यार है, पर उसने चाय बनाई और फिर चाय पे मान गई. बट हैविंग सेड दैट, इट्स ग्रेट. मैं हमेशा ये कहती हूँ, और यू नो, आई होप ये कभी लॉकडाउन किसी के साथ और ना हो, लाइफ में कभी लॉकडाउन ना हो, पर इफ माई डॉटर एवर आस्क मी फॉर एडवाइस, यू नो, मैं किस तरह की लड़के से शादी करूँ मम्मी, मैं बस ये बोलूंगी, एनीबडी यू कैन सर्वाइव अ लॉकडाउन विद. एब्सोल्युटली. एंड आई स्वेयर टू गॉड, आई सर्वाइव a lockdown and much more with him. It's amazing. He's amazing. Lockdown में बड़े राज सामने आए, पति पत्नी को एक दूसरे के ही. Yes. हाँ, बहुत हैं. अंगद के तो बहुत हैं. बताओ फिर. वो कोई भी पिक्चर किसी भी जगह से जितनी बार उसने पहली देखी हो, फिर भी वो देख लेता है. एंड देन द अदर थिंग इज, अगर किसी ने बोला है दिस फिल्म इज टेरिबल, हैव यू सीन इट, उसी दिन अंगद जाके. मेरी भी यही प्रॉब्लम, कोई बोल दे ना बड़ी खराब पिक्चर, मैं जाके देखता हूँ. देखता हूँ कि हाँ कभी ऐसी मेरे को ना ऑफर हो जाए. अच्छा, अंगद के बारे में, मैं अंगद और नेहा के बारे में आपको पता ही, खैर आप न्यूज व्यूज सब देखते हैं, कि 3 मई को इन्होंने नेहा के घर वालों से बात की, 4 मई को अपने घर वालों से बात की, 5 मई को दोनों के घर वालों ने आपस में बात की, 10 तारीख को जाके उन्होंने गुरुद्वारा में शादी की, 11 को हनीमून पे गए, 12 को इन्होंने खुशखबरी भी सुना दी, 13 को ऐसा कौन सा जरूरी काम था आपको जो सारे काम आपने इतनी जल्दी जल्दी कर लिए? इन्होंने ना इवेंट लॉक किया था. अच्छा, अमेरिका में तो शादी शायद पुश भी हो सकती थी, लेकिन वो इवेंट नहीं कैंसिल हो सकता. ठीक है, कमिटमेंट है. तो हमने शादी करी और उसी रात हमने फ्लाइट पकड़ के हम लोग अमेरिका गए थे. वाओ. बट ये जो आपने हमें बेइज्जती के तौर पे कॉम्प्लीमेंट दिया है, नोबडी हैज डिस्क्राइब्ड आवर वीक लाइक दिस. मेरे को ये साउंड बाइट जरूर देना. 10 दिन की एक बड़ी अच्छी मजेदार स्टोरी है. अच्छा, अंगद के पापा बिशन सिंह बेदी साहब, उनको कौन नहीं जानता, बड़े महान स्पिनर रहे हैं, हमारी इंडियन टीम के लिए खेलते रहे हैं, और अंगद ने भी रणजी ट्रॉफी जो है खेली है. तो जैसे बेदी साहब स्पिनर है, तो किसकी गुगली ज्यादा खतरनाक होती है, स्पिनर की के वाइफ की? वाइफ की सर, वाइफ. ओहो, एक सेकंड नहीं लगाया मैंने सोचने में. वाइफ की, वाइफ. लंबा जाओगे आप, शाबाश, वेरी गुड. ठीक है, रहोगे पिच पे. अच्छा, नेहा ने लॉकडाउन में बहुत अच्छा वर्कआउट किया, योगा किया, और सुना है अंगद पाजी ने भी 4-5 किलो वेट कम किया है. तो जो योगा वो करती थी वही किया है कि जो दूसरी फंक्शनल एक्सरसाइज होती है, वो जो कपड़ा भिगो के ऐसे करके पोछा, वो भी किए आपने? बर्तन भी बड़े घिसे हैं सब, मैंने तो बहुत किए हैं. जब तक इनकी क्लास खत्म होती थी, दिन में 2 सेशन लगाती थी. अच्छा. और मैं किचन में और बाहर पोछे होते में मेरे 4 सेशन. आई रियली विश, ये जो बातें चल रही है ना, देयर इज एनी ट्रूथ इन दिस, मैं, हम नेशनल टेलीविजन पे हैं, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, ये जो सबसे बड़ी गुगली है ना, ये दोनों यहाँ पे कर रहे हैं. आप इतने सिंसियरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इतने सिंसियरली, हाँ जी पाजी, मैं सवेरे उठ के मैं पोछा मारना, फिर मैं राती होके मैं कपड़े बेलना, मैं करना है. कुछ नहीं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है. डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में अचार. अंगद जी, नेहा जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार. अगला वाला आपके लिए, अर्चना जी. डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक. डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक. डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक. आगे क्या? आगे नहीं, पीछे डिब्बे में केक रखा है, जाते जाते खा लीजिएगा. ये बताइए आप, कब तक शेविंग फोम में चीनी डाल के उसे केक समझती रहेगी? वैसे आपने मुझे पहचान लिया होगा, मैं हूं फरीदियो. वैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, वेलकम करता हूँ. ओहो, चिल्ला क्यों रहे हैं आप फनी जी? जी? मैं चिल्ला कहाँ रहा हूँ?
और अगर मैं चिल्ला दूं ना तो भैंसा भी दूध देना बंद कर देता है। पाजी भैंसा दूध देता भी नहीं वैसे भी। नहीं देता है? नहीं नहीं। हेलो पापा। इन लोग ने अभी अभी बताया कि भैंसा दूध ही नहीं देता। पापा एक मिनट पूछ के बताता हूँ। मुर्गा अंडा तो देता है ना? नहीं देता। पापा वो ऑमलेट मत खाना। मुर्गा अंडा भी नहीं देता है पापा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ओके पापा बाय, आई सी यू, आई लव यू पापा। ओह माय गॉड। फनी जी आप करने क्या आए यहाँ पे? फनी जी मैं यहाँ पर कुछ तो करने आया हूँ। मैं क्या करने आया हूँ? एक मिनट ऐसे ऐसे कौन सा जानवर चलता है? सांप। करेक्ट। और ऐसा तबड़क 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 कौन चलता है? घोड़ा। करेक्ट। मैं यहाँ पे ऑडिशन देने आया हूँ। ये क्या मतलब ऑडिशन का? घोड़े से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपका ऑडिशन ले रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता है। और वेरी गुड, आप पास हो गए, आप मुंबई आ सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं आपकी? मेरी चार शर्तें हैं, उनको प्रेस करके दे देना मुझे। देखो फनी पाजी, आज यहाँ पे ना गेस्ट आए हैं, आप किसी और तारीख पे आ जाना। कोई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हर बार मिलती है तो सिर्फ तारीख, लेकिन ऑडिशन देने का मौका नहीं मिलता। हाँ तो करिए फिर, क्या करना चाहते हैं आप? नेहा जी मैं आपको टास्क दिखाना चाहता हूँ। जरूर। मैं दिखाऊं? चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। ये क्या चिड़िया उड़ करो, बड़ा टास्क करिए कोई। बड़ा कर रहा है? हाँ। बड़ा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथी उड़, उड़ हाथी, हाथी उड़। अबे उड़ता क्यों नहीं है? मेरी नाक कट रही है यहाँ पे। छोटी छोटी चिड़िया उड़ जाती है, इतना बड़ा हाथी तो उड़ नहीं पाता है। अगर नहीं उड़ना है तो उतार के फेंक दे अपनी सूंड और पहन ले बलवंत राय का पट्टा अपने पैरों में, बड़ी हाथी। बहुत अच्छा था आपका फनी जी, आप अभी ला जाइए। मैं आऊं? हाँ। ओके, पर मुझे जाना कहाँ है? मैं आया कहाँ से था? पता नहीं। कहीं मैं खो तो नहीं गया हूँ? एक मिनट सुनो, एक बच्चा खो गया है, रंग है हुआ, सेक्सी लुकिंग, उम्र बताऊंगा नहीं, बॉडी छिपाऊंगा नहीं। ये बच्चा जिस किसी का भी है वो यहाँ पर आकर अपने बच्चे को अपने साथ ले जाए। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आप कैसे आ गए? मैं बेटा पीछे खो गया था, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया। मैं भी खो गया था पापा। क्या बात कर रहा है? हाँ पापा, मतलब हम दोनों खो गए हैं। हाँ पापा। माइक दे। ये सुनो दो बच्चे खो गए हैं, जिसके भी हो आके ले जाएं। मेरा नंबर है ML। तेरा क्या नंबर है? आ बाबा मेरा, मैं चेक करता हूँ बाबा। बाबा मेरा है ML 2525। ढाई ढाई क्या होता है ये? बाबा मेरे 2.5 किलो के हाथ है ना। ये बस कर यहाँ, एम्बेरिस कर देता है बाप को अपने। वो देख वहाँ सामने। हाँ नमस्कार अर्चना। नमस्कार। आप बहुत अच्छा, आपको देख के मुझे दो लाइनें याद आ गई, मेरे पैसे मुझे वापस दे दे। अरे बाबा, बाबा ये तो एक ही लाइन हुई बाबा। अरे दूसरी तो सुन, पैसे वापस देती हो कि नहीं? ये क्या तरीका है पापा, जब दूसरी लाइन बोल रहे हैं तब तक हम ऐसा तो कीजिए, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि दूसरी लाइन है कि पहली लाइन? व्हाट पापा शिट यार, व्हाट आर यू डूइंग पापा? ढंग से बात कर, तेरा बाप शैशू क्या लगा रखा है? इधर आइए पापा, अब इधर आइए मैं आपको मिलाता हूँ, यहाँ पे गेस्ट्स आए हुए हैं। कौन है? गेस्ट्स। सबसे पहले अपना तलफ़ुज़ ठीक कर। गेस्ट होता है ये? गेस्ट नहीं, क्या होता है ये?
तो भी है बाबा गेस्ट से मिलिए ये अंगद जी हैं नेहा जी हैं और बाबा ये मेरे पापा हैं अंगद जी नेहा जी पापा नेहा धुपिया उनका नाम है नेहा धुपिया मुझे पता है मैं कह रहा हूँ दूध पीना अच्छी बात होती है नेहा धुपिया ऐसे कहा है बेटा मैंने अंगद जी कैसे हैं बहुत बढ़िया अच्छा इनका नाम साफ साफ ले लिया बेदी का कुछ बना नहीं बेदी का क्यों नहीं बना बेदी का पैक बना जा जा जाके दो गिलास ला अस्सी पंजाबी पुत्तर है बेटा तू नहीं जाना इसको पिछली बार पानी लेने भेजा था पाकिस्तान जाके हैंड पंप उखाड़ के आ गया बैठिए बैठिए आप ए बेटा बेटा ये क्या सारा दिन ये हाथ में पकड़ के बैठे रहते हो किसी दिन बच गया तो पोल खुल जाएगी जाओ जाके तुम लेकर आओ वाह 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 कप्पू के दोस्त की बेइज्जती कप्पू के दोस्त की बेइज्जती कप्पू के दोस्त की बेइज्जती क्या ऐसे ऐसे कर रहा है तू ऐसे ऐसे करेगा तो तेरी बेइज्जती होगी यहाँ पे बेटा एक अंदर की बात बताऊं बताइए बाबा तू मुझे बाहर मिल बाबा मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं हाँ बता नाच न जाने अंगद टेढ़ा अगर राज तलफुज ठीक कर अंगद टेढ़ा नहीं आंगन टेढ़ा होता है लेकिन यहाँ पर तो अंगद आया ना तो उनकी बात करेंगे ना आंगन आया है क्या ऐसा होता है ऐसा ही होता है यहाँ पे वेरी गुड अरे क्यों कुछ पता नहीं है पापा अपने गेस्ट हैं अपने घर के बच्चा है वो बेदी जी का बेटा है ठंड बड़ी लग रही है और मेरा स्कर्ट बेटा अपने घर के लोग हैं फ्रूट का सही रेट लगाना सुबह से बैठ जाता है यहाँ पे अपनी रेडी लेके एक भी फ्रूट नहीं बिकता इसका नेहा जी आई हैं मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि नेहा जी आई जब से ये लॉकडाउन खुला है कभी मीका कभी अजय अतुल कभी सलीम सुलेमान आज मोहतरमा आई है तो दिल बहुत चकल्लुस हुआ है बड़ी खुशी हुई है बेदी पुत्र ठीक है ना बढ़िया हाँ जी बिल्कुल ये बाहर आया कोट छोटा हो गया तेरा बेटा स्टाइलिंग है बेटा फार्म हाउस आना कभी हमारे फार्म हाउस के सामने एक पहाड़ है उसे गिराना है हमको अच्छा। आना जरूर ये कैसे गिरा देंगे अरे घर का बेदी लंका ढा सकता है तो पहाड़ क्या चीज है आप लोगों का बड़ा प्यारा सा बीबी है वेरी क्यूट गॉड ब्लेस इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं बड़ा और यू नो बेबी के बाद पहली बार ये शो पर आए हैं बेटा वो तो है बाबा इनको पोयम सुना पोयम सुना रही है मैं सुना दूं अपने जो अपने होते हैं क्या कर रहा है बेइज्जती कराएगा क्या क्या पोयम कहा है मैंने गाना सुना सॉरी बाबा मैंने गाना सुना दिया मैं पोयम सुनाता हूँ पोयम सुनाता हूँ अपने तो अपने होते हैं बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं बाकी सब सपने होते हैं एक मिनट उधर देख बच्चा है हौसला बढ़ाइए उसका ताली बजाओ हाँ क्या देख रहा है यहाँ ताली बजा रहे हैं तेरे लिए वो लोग मेरे लिए थैंक यू फॉर मी थैंक यू अभी इनको ABCD सुना ओके बाबा A for Alwant Rai ke kutte, B for Balwant Rai ke kutte, C for Kalwant Rai ke kutte, D for Zadwant Rai ke kutte tak nahi sunna hai humko. Aise nahi hota hai beta, main tujhe batata hu. Aise hota hai bataiye baba. A for utte main tera un pi jaunga. B for butte main tera boon pi jaunga. सी फॉर कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा ऐसे होता है चल अभी नाच के दिखा इनको पापा अले आप कहें तो मैं पोएम सुनाऊं आप कहें तो मैं ABCD सुनाऊं आप कहें तो मैं नाचूं ये क्या सियासी खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ बेस्ती मेरी बेस्टी सॉरी बाबा मैं तो ऐसे ही कह रहा था ठीक है कोई नहीं तो अपना पुत्र है
I love you, beta. I love you, Baba. संतरे की गोली खाएगा मेरा बच्चा? नहीं नहीं बाबा नहीं. बाबा ये नेहा जी का एक शो है. फूडीज नाम का फूडीज. मैं उस शो में जाना चाहता हूँ. पापा मेरी एंट्री करवाइए ना. अरे एंट्री कैसे करेगा बेटा? वो तो यहाँ बैठी है, ताला लगा है गेट के ऊपर. वहाँ कोई एंट्री नहीं है. नहीं बाबा, आज तो सिर्फ मेहमान बन के आई हुई है. तो कोई बात नहीं, तू भी मेहमान बन के वहाँ चले जाना. अरे बाबा, मुझे मेहमान बन के नहीं जाना है, मुझे वहाँ पे भाग लेना है. इतने सालों से तुझे कहता ला भाग ले भाग ले, तब तो भागा नहीं, इतना मोटा हो गया, अब तुझे छोड़ में भाग लेना है. नहीं जाना है मुझे बाबा, रहने दो. भेज रहा ही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा. अरे पहले खुद कहता है जाना है जाना है, फिर कहता है नहीं जाना है, मुझे फंसा देता है बीच में. ये क्या लगा रखा है बेटा तूने? मखा मेरा मूड खराब हो गया है. जाओ जाके होटल लेकर आओ. होटल कैसे लेके आ रहे हो? बोतल लेकर आ जाओ. क्या हो गया? ऐसे मूड खराब किया है बेटे ने. मैं तो कहता हूँ ड्राइवर गाड़ी निकालो. आई वॉन्ट टू गो. ड्राइवर कहाँ है बाबा? कहाँ है ड्राइवर? ड्राइवर नहीं है. नहीं है बाबा. क्या बात कर रहा है? नहीं है. मतलब तू भी खो गया, मैं भी खो गया, ड्राइवर भी खो गया. सुनो सुनो सुनो, दो बच्चों का ड्राइवर खो गया है. जहां कहीं भी वो पकड़ के लाए, जिंदा या मुर्दा. और वो ड्राइवर के यहाँ गर्दन पे काला तिल है. अरे हाँ बाबा, ये काले तिल से कैसे कोई पहचान लेगा बाबा? नहीं पहचाने? नहीं बाबा. अच्छा, ड्राइवर की माँ का नाम शकुंतला है. और उनके वालिद साहब का नाम मनोहर है. पहचान जाएगा बाबा, वो दिल से पहचान लेंगे. पहचान लेंगे, दिल से पहचानेंगे. सबसे पहले मुझे ये बता, तू है कौन? मैं आपका बेटा हूँ पापा. और मैं कौन हूँ? आप मेरे पापा हैं बाबा. क्या बात कर रहा है यार, ये क्या हो गया? मुझे फार्म हाउस ले चल तू. अभी चलिए चलिए बाबा, मुझे ले चलो. बेदी साहब, फिर मुलाकात होगी हमारी. आएंगे. आई लव यू. चल बेटा, बाइक बाइक. चलिए बाबा, मेरे बाइक पे बैठिए. क्या कर रहा? ब्रम ब्रम. चलिए बैठिए बाइक. अरे बैठिए तो. हाँ चल. अच्छा, हमने ना सोशल मीडिया पे ऐसे आपके फैंस को हमने क्वेश्चन डाला था कि आप लोग क्या क्या पूछना चाहते हैं. तो वो आप वो आपसे कुछ सवाल है उनके, तो जो मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ. झूठ ज्यादा कौन बोलता है दोनों में से? जी हम तो बोलते ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलता. शो में भी आज बड़े बड़े ऐसे ऐसे करके इतने सारे पॉइंट्स ले गया. बिकॉज आई एम सो वरिड दैट द एंटायर कंट्री एंड एवरीवेयर एल्स ओवरसीज पीपल आर वॉचिंग, दे विल थिंक आके ना बोला है. That's a lie. अच्छा, बाथरूम में जाके फोन पे ज्यादा देर कौन लगाता है? Say ना अंगद, say something. मैं ठीक है. मैं ज्यादा कंप्लेंट कौन करता है? मैं. नहीं 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 मैं. नेहा ज्यादा कंप्लेंट करती है. ओके, ज्यादा सवाल कौन करता है? मैं जी. अच्छा, घूमना फिरना ज्यादा किसको पसंद है? मुझे. वेरी नाइस. दोनों में नाइस. वाओ. अच्छा, मेरे को खुद बड़ा पसंद है. नहीं, मेरे को बड़ा पसंद है घूमना फिरना. भाजी क्या करें अभी, अच्छा लगता है. दोनों में से किसकी ड्राइविंग खराब है? मेरी जी, मेरी. नहीं पाजी, ऑनेस्टली एक्सक्यूज मी, मेरी ड्राइविंग खराब है. अच्छा, अफवाहें उड़ती हैं कुछ जब आप पब्लिक फिगर बनते हो, पॉपुलर होते हो, लोग आपके बारे में अफवाहें उड़ाते हैं. नेहा, आपके बारे में ये अफवाह कि आपको लेफ्ट राइट का पता नहीं चलता. और एक बार आप अंगद के राइट घुटने का ऑपरेशन करवाने गई थी, डॉक्टर को बोल के आप ये लेफ्ट वाला खुलवाने लगी थी. इज इट ट्रू और रूमर? स्लाइटली ट्रू. स्लाइटली ट्रू. स्लाइटली. इनको अभी तक नहीं पता कि मेरे कौन से घुटने का ऑपरेशन हुआ है. नहीं नहीं, आई नो बिकॉज आई स्लीप ऑन हिज लेफ्ट एंड आई नो वो दूसरी वो परली तरफ वाला जो घुटना है उसपे जो पर्दे की तरफ वाला है. अच्छा नेहा, एक अफवाह और है कि जब आप अपनी बेटी की शॉपिंग करने जाती हैं तो आप वो सब भूल के अपनी कॉमिक्स बुक खरीद के ले आती हैं. यस. आप कॉमिक्स पढ़ती हैं अभी भी? नहीं नहीं, मैं मतलब उसके लिए पढ़ना चाहती हूँ, पर फिर मैं अपना देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं को वो किताबें पढ़नी है जो मुझे पढ़नी है उसके लिए. मेरी बीवी को किसी ने गिफ्ट की पेरेंटिंग के ऊपर एक बुक, तो मैं भी पढ़ रहा था. कहती तुमने क्या संभालना संभालती, तो मैं हूँ. मैं कहा मैं अपना देख रहा हूँ कि मेरी ठीक हुई है कि नहीं.
पाजी आपके बारे में ये फायदा है कि घर पे आप ही खाना बनाते हो, क्योंकि आपको डर रहता है कि अगर नेहा ने खाना बनाया तो तारीफ तो चलो करनी पड़ेगी, खाना भी पड़ेगा। बनाता हूँ जी कभी कभी, जैसे इनके कभी जन्मदिन अभी एनिवर्सरी होती है तो मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट इन बेड तो लेकर ही आता हूँ। वो तो दो ब्रेकफास्ट हुए ना साल के, बाकी दिन। अंगद एक अफवाह और है आपके बारे में, जब कभी आपके कान बंद हो जाते हैं तो आप डॉक्टर की जगह नेहा के पास जाते हैं, खाली एक ही बार में चिल्ला के आपके कान खोल देती हैं। बंद होने नहीं देती जी, बंद होने नहीं देती। ओके, बट मैं जितना बोलती हूँ ऐसे लगता तो है कि कान बंद है, क्योंकि मेरे को एक ही बात कम से कम 12-14 बार दोहरानी पड़ती है। अच्छा, नेहा को बड़ी नॉलेज है ऐसे ये सब फिटनेस वाली चीजों की। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कई इंसानों के ब्लोटिंग हो जाती है फेस पे, हाँ, उससे के लिए क्या किया जाए? सौंफ का पानी कब पीना है? वो रोज पीते रहो, पूरा टाइम पीते रहो, बड़ा स्वाद भी होता है। मेरे को अभी कितना, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम मेरा ऑलमोस्ट 23 किलोज मेरा बढ़ गया था, बट सौंफ का पानी इज वेरी गुड। अंगद को हो गया था मेरे बर्थडे के बाद, काफी ब्लोटिंग हो गई थी, बड़ी महंगी वाइन खोली थी तो ब्लोटिंग हो गई थी। उसी वाइन की बॉटल में अगले दिन खाली करके हमने सौंफ का पानी पिला पिला के उसके बाद शूटिंग पे भेजा। अंगद पाजी का फेस बड़ा शार्प है वैसे। सौंफ का पानी, आपको तो पानी पूरी वाला ऐसे करके नहीं देता होगा, ऐसे ही कर लेते होंगे। अच्छा, जैसे नेहा है बड़ी बिंदास है बोलने में, किसी को डर लगता है कि नेहा को कोई ऐसे कोई फालतू बात नहीं कर सकता? नहीं नहीं, मतलब अच्छी बात है ये। जब आपने प्रपोज किया था नेहा को, इनका क्या रिएक्शन था उस समय? नहीं नहीं, मैंने प्रपोज नहीं किया, वो मेरा घुटना खराब था ना। तो फिर मैंने सीधा जाके इनके पेरेंट्स से बात करी थी पहले, मुझे लगा कि वो सही तरीका है। इन्होंने 5 साल तो मेरे खराब कर दिए थे, तो मैंने कहा अब 5 मिनट और खराब करने का फायदा नहीं है, तो ये जाके इनके पेरेंट्स से ही बात कर ले। तो बेदी साहब और नेहा के पापा मिले आपस में? जी, पहले मैं जाके इनके पेरेंट्स से मिला, फिर ये मेरे फादर से मिली, और फिर हमारे पेरेंट्स आपस में। No, but before going, he just told me, he's like, बहुत वेट हो गया, ब्याह करना है नहीं करना? तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब बंदा सीरियस है, बंदा सीरियस है तो करना है, so let's just go ahead. मेरे ना अंगद जी पहले क्रश थे और नेहा मेरे पति का क्रश थी, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। क्यों? एन मौके पे ना इन्होंने एक डिमांड रख दी। क्या? कहते लड़की सुशील होनी चाहिए, मेरा भाई सुशील लड़की बनने के लिए माना ही नहीं। तो हमारी शादी नहीं हुई। लेकिन अगर अर्चना जी, पिछले 1 साल से ना मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको मिलके आती। तो फिर मिल आती जाके? नहीं नहीं, अगर मैं मिल आती तो फिर मैं 1 साल क्या सोचती। वैसे ना आप लोग शादी के बाद पहली बार आए हो, बेबी भी हुआ है, तो मेरी तरफ से बाकी तो किसी को शर्म है नहीं, तो शगुन बगुन डालना होता है। आप क्या ताली मार रही हो? आप भी पड़ी हो, आपने कौन सा डाला? ये लो नेहा, मेरी तरफ से 11 रुपए शगुन। 11 रुपए से क्या होता है? कुछ नहीं होता, तभी तो दे रही हूँ। मेरा मतलब 11 रुपए शगुन कोई देता है किसी को? अर्चना जी, अंगद जी मेरे 11 बच्चे हैं, हर बच्चे के जन्म पे इन्होंने 1 रुपया दिया है, वही 11 इकट्ठे करके मैंने आपको दे दिए। सोचो अगर मैंने इनसे 100 रुपया लेना होता तो मैं तो मर जाती ना। भाभी कुछ शर्म किया करो, कोई फैमिली प्लानिंग नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे मत कहो ये फैमिली प्लानिंग कोई चीज होती है। बच्चा यादव मेरे पति को समझाओ, ये मर्दों को तो रोमांटिक होने का बहाना चाहिए। थोड़ा सा मौसम सुहावना हो जाता है तो बोलते पकोड़े बना दो, बारिश आ जाती है कहते पकोड़े बना दो, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है पकोड़े बना दो, बस पकोड़े पकोड़े ही बना दो। क्या पकोड़े में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, पकोड़ों के चक्कर में जो घर में 11 पकोड़े हुए उनका। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको टिप देनी है, अंगद जी कभी बेसन लेके आए, कभी आलू लेके आए, कभी प्याज, आपने पकोड़े नहीं बनाने, आपने बनाना लौकी का जूस, करेले का जूस, क्योंकि मुझे ना मेरे अंगद जी ऐसे ही फिट चाहिए। अच्छा, उसके लिए, मैं सोचा अपने लिए। सॉरी, शर्म नहीं आती? मेहमान आए, कुछ चाय समोसे ले आओ। ना ना मेरे भाई, समोसा समोसा ना कराया कर, आगे भटूरे जैसे हो गए हो आप। लेकिन एक बात कहूँ,
मुझे मेरे देवर जी भटूरे जैसे पसंद है। अभी ना बाहर नेहा धुपिया की मैनेजर पता क्या कह रही थी, कपिल जी कहती पर्सनल भी फोन उठाते हैं या फिर वीडियो कॉल के लिए शो में ही कॉल करना पड़ेगा। क्या बात कर रही हो? सच्ची कह रही हूँ, मोटे लड़के बहुत पसंद करती है लड़कियाँ। ये जिम जुम वाले जो लड़के होते हैं ना, ये बस कॉलेज तक ही ठीक होते हैं। मजा तो तब आता जब स्कूटर पे भटूरे जैसा लड़का बैठा हो। ओए ओए ओए। भाभी इतना प्यारा कपल बैठा, कोई ढंग की बात नहीं आती तुम्हें? ढंग की बातें तो कर रही हूँ मैं। आपको भी एक टिप देती हूँ अंगद जी, आपकी कभी नेहा के साथ लड़ाई हो, आपने बिना झिझक बिना शर्माए आधी रात को भी मुझे फोन कर लेना। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, दिन में मत करना, दिन में मेरे पति मेरे पे शक करते हैं। भाभी शर्म करो, 11 बच्चे हैं तुम्हारे। शर्म की होती तो एक भी ना होता। सच्ची कह रही हूँ, मैंने आपका बहुत सारे शो देखे। आप वो टास्क वाला शो करती हो ना, टास्क करवाती हूँ मिट्टी मुट्टी वाले। हाँ जी। मेरे बच्चों को भी ले लो उसमें। बच्चे बड़े छोटे हैं आपके। हाँ तो छोटा शो बना लो 2 एपिसोड का। अभी तू वैसे फालतू के टिप्स दे रही हूँ, नेहा को बताना ना बच्चे संभालने का कोई टिप्स तो। देखो नेहा, बच्चे संभालने बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के बाप संभालने बहुत मुश्किल है। देखो मैंने संभाला नहीं, हमारा कितना रहता फैला है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि सीटी पे बच्चे को सुसु कैसे करवाते। ये सबको पता है, कुकर की सीटी पे बच्चों को सुसु कैसे करवाते, ये कह रही थी मैं। दाल भी बन जाती है और बच्चा भी हल्का हो जाता है। मेरे हस्बैंड का कॉल। हाँ जी। नहीं मुझे इतनी पता, मौसम अच्छा हुआ है, बना दूं फिर पकौड़े। भाभी ये क्या बोल रही हो? एक मिनट, तो कभी उनका ही हमेशा मन करेगा, आज मेरा भी मन कर रहा पकौड़े खाने का। सच्ची कह रही हूँ, मौसम बहुत ज्यादा अर्चना जी आज अच्छा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, फटाफट हम खत्म करो और आप लोग भी जाके पकौड़े बनाओ। अंगद भाई सोशल मीडिया पे आपके ना वीडियो देखे हमने, हमारी सब टीम ने, वी हैव अ वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1 पर्सन। हमने आपके सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, 30 सेकंड का शॉर्ट वीडियो होता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं से नेहा की आवाज आ जाती है। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक आपको 30 सेकंड के लिए भी नहीं है? नहीं नहीं जी, देखो जब मेरी मदर का भी फोन आता ना, हाँ जी, तो आज पीछे से इनकी आ रही होती है, तो बट द थिंग इज दैट मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता है कि अगर पीछे से इनकी आवाज आएगी। मोड़ती बात, मोड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी आवाज को इस तरफ मुंह करके नेहा बता क्या बोल रहे हैं, कहते मेरे को भी अच्छा लगता है इनकी बीच में आवाज आती है। सामने बोलो खुल के। कई बार वैसे आपके जो रिसर्च वाला जो एक इंसान है ना, जिसने की है रिसर्च, उसने वो वाले वीडियो नहीं देखे जिसमें मेरी आवाज नहीं है, उसने वही वाले वीडियो देखे जिसमें मेरी आवाज है। अगर हम वो वीडियो देखते तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। पाजी ऐसा होता है मतलब, जैसे शादी के पहले आप वैलेंटाइन पे नेहा को फोन करते होंगे, वो फूल वूल देते हैं सब, हैं बाद में भी देते हैं? नहीं नहीं, अंगद तो एक्चुअली जब शादी हमारी नहीं हुई थी, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी अबाउट अंगद, बहुत साल पहले की बात है, मैंने आईपैड लिया था और मैंने छोड़ दिया एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट में, पता नहीं कहाँ पे आईपैड छोड़ दिया, एंड आई कॉल्ड हिम अप एंड ही इज लाइक क्या है, बड़ी उदास है, तो मैंने बोला नहीं मेरा आईपैड गुम गया, एंड दैट टाइम ट्रू स्टोरी आई थिंक ही हैड लाइक 60,000 rupees इन हिज बैंक एंड ही स्पेंट 50,000 rupees बाइंग एन आईपैड फॉर मी। ओह स्वीट। या नहीं, उसके बाद से पाई मैंने ना, जब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे, और गिफ्ट बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ले लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर एक और बारी मेरे थे करीब, फिर बैड, अब मैं जाके बेच तो नहीं देंगे, तो मतलब शादी हुई थी तब भी मेरे बैंक अकाउंट में सेविंग 5 लाख रुपए की थी, उसमें इन्होंने मेरे से शादी कर ली थी। वाह,
ये आपके लिए भी तालियां हैं। ये बहुत बड़ी बात। देखो स्ट्रगल टाइम के ना बैंक बैलेंस कम होता है, टाइम बड़ा होता है आदमी पास, लेकिन जब आदमी काम करने लगता है फिर बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, टाइम कम हो जाता है। थोड़ी चीजें होती हैं, एडजस्ट होती हैं। तो जब से ये मेरी लाइफ में आई हैं तब से काफी चीजें, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है और यू नो गॉड विलिंग बेटी भी आ गई और लक्ष्मी, अब तो दो लक्ष्मियों का लक, यू नो सो आई फील दैट, और काम भी अच्छा जा रहा है, सो आई फील इनकी दुआएं हैं दोनों की। अरे क्या बात, एक बार जोरदार तालियां अंगद और नेहा के लिए। अंकित पाजी, हाँ जी, नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके, और आप दोनों बहुत प्यारे लगते हो साथ में, ईश्वर ऐसे आपको खुश रखे, थैंक यू, तंदुरुस्त रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। देख रही हैं आप क्या 10 एपिसोड नए हुए, हमने अपना बैंक खोल लिया, BNB बैंक, बच्चा एंड बच्चा बैंक। लेकिन यहाँ की सबसे सीनियर होने के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या? इस बैंक को आप लूटिएगा नहीं। नमस्कार, BNB बैंक में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हर प्रकार के क्रेडिट डेबिट कार्ड फट से बनाए जाते हैं, तो अर्चना जी कार्ड बनवा लो। तितली, इनसे क्या कह रही हो, ये तो आज तक सिद्धू जी का कार्ड स्वाइप कर रही है। आओ चलो अपना काम संभालें, शुरू करें। मैं तो कब से संभाल रही हूँ, मैं आपका क्रेडिट कार्ड बना दूँ? अरे नहीं नहीं तितली, कार्ड हमारा नहीं बनाना है, कस्टमर आएंगे ना उनका कार्ड बनाना है, हम तो मैनेजर हैं। पर आप तो मेरे पति हो ना? ना नहीं, यहाँ कोई पति वती नहीं है, हम बॉस हैं और तुम हमारी असिस्टेंट। अपने पति पे हाथ कौन उठाता है? असिस्टेंट को गले कौन लगाता है? बच्चा बच्चा बैंक, यानी कि हमारा अपना बैंक। एक मिनट, अपना 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 क्या होता है? बी प्रोफेशनल, व्हाई आर यू सो लेट कमिंग? जीजू वो मैं ना, जीजू ये सब नहीं चलेगा, हम यहाँ पर मैनेजर हैं, ये बैंक है, लोग खाता खोलेंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, बस। तो कार्ड बनवा लो। अरे इसका नहीं बनाना है, कस्टमर आएगा उसका बनाना है। एक बात में समझती क्यों नहीं हो यार तुम? समझ गई हूँ यार, तकलीफ कर दिया है, चलो अब अपनी अपनी जगह ले लो, आएंगे कस्टमर आएंगे अभी अपना, चलो रेडी हो जाओ, चलो काम शुरू करो। जी जनाब, जी पैसे जमा करवाने पहुंच चुका हूं। जी मुझे बताइए, भाभी के अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं क्या आपके? तीसरी भाभी के दूसरे अकाउंट में, तो दूसरी वाली, मैंने कहा छोड़ गई दूसरी, तो उसका नंबर मेरे को दे दो सविता का। वो आप तो थे, वो आप तो फिर गाड़ी लॉज पे रहे, चलो फिर बाय, नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे ये इंस्पेक्टर आया, नवरात्रे नहीं आए, गरबा करना शुरू कर दिया। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? जस्ट टेक एग्जिट, इट विल बी ए ग्रेट हेल्प ऑफ सोनी, एक्सेप्ट। बढ़िया ही हेल्प करें, हट। सर, ये बैंक का प्रोटोकॉल है, पूछना पड़ता है। अच्छा, सोनी का प्रोटोकॉल 10 साल से नहीं समझी ये। बैंक खुले तो 2 मिनट में प्रोटोकॉल समझ में आ गई। ओए मोटोटोकॉल समझाता क्यों नहीं इसको? तो हम क्या कर रहे हैं, छोटोटोकॉल हमारी बात सुनती कहाँ? ए खबरदार मोटोटोकॉल, अगर मेरी छोटोटोकॉल को कुछ कहा ना तो। देखा, अगर आप भी घर पे बैठे बैठे छोटोटोकॉल पोटोटोकॉल मोटोटोकॉल कर सकते हैं तो यहाँ आके इनकी तरह लाखों कमा सकते हैं। आप क्या हंस रही हैं, आप अपना छोटोकॉल जारी रखो। सर सर सर, मैं इन्हें पूरा समझा दूंगी, कार्ड बनवा लो। देखो मैं यहाँ पे खाता खोलने आया, मैं कहीं किसी का खाता बंद ना कर दूं? नहीं 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 सर सर, हम बताते हैं आप किस प्रकार का खाता खुलवाना चाहेंगे, लाइक सेविंग खाता, करंट खाता? नहीं, मैं लिव इन वाला खाता खुलवाऊंगा। लिव इन खाता कौन सा होता है? लिव इन खाते का नहीं तुम्हें पता, जैसे आदमी खाता बाहर है, पचाता घर पे, उसी साथ का अकाउंट है। अगर खाना पच गया हो तो कार्ड बनवा लो।
ओए मैंने तेरे ऊपर ना चार लेडीज पुलिस वाली प्लस एक टैंक छोड़ना है। चार पुलिस वाली, वो कार्ड बनवा लेंगी। सर सर सर, डोंट माइंड सर, वी आर वेरी प्रोफेशनल सर, हम अपने कस्टमर का पूरा ध्यान रखते हैं। पूरा ध्यान रखते तो ये सब चीजें ना रखते बैंक में, ये क्या है ये? हट, गिलहरी को जितना मर्जी सूट पहना दो वो लोमड़ी नहीं लग सकती। दीदी कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल तो रही हूँ, कार्ड बनवा लो। अरे हमको क्यों मारा, बीवी तो तेरी है ना, बार बार कार्ड बनवा लो। यार ऐसे हाथ नहीं उठा सकते, अब हम मैनेजर हैं। अच्छा तो तुम मैनेजर हो, तभी अपनी फोटो यहाँ पे लगा के रखी इतनी बड़ी। अरे नहीं, हमारी फोटो नहीं है, वो भैंसिया है। वो एक्चुअली क्या है कि ये हमारे बैंक का सिंबल है। अच्छा। इन्हीं के दूध से हमारे बैंक का निर्माण हुआ था। अच्छा तो इनके दूध से निर्माण हुआ है, अगर किसी ने नींबू निचोड़ दिया तो ये तो बैंक फट जाएगा, फिर क्या करोगे बैंक का? सर देखिए, आप हमारे पहले कस्टमर हैं, इसके लिए हम आपको सहानुभूति दिखा रहे हैं। अच्छा तो अगर हम आपके दूसरे कस्टमर होते तो तब हमें आप महेश मुफ्ती दिखाते, सहानुभूति दिखा रहे हो। जीजू आप खड़े खड़े इनकी बातें क्यों सुन रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा कभी दीदी बोले कभी जीजू बोले, तो तू सोनी से किस बात की पेमेंट ले रही है? ओए देखो कानून का टाइम वेस्ट नहीं करो, ये पकड़ो मेरी पासबुक, फटाफट मेरे अकाउंट में से 1,00,000 रुपए निकालो। चलो चलो, तुम्हें जाने में भी टाइम लगेगा। चलो 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 चलो। ओके, आपका अकाउंट तो एकदम खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर। एक आधे दोबारा हिला के देखो, एक आध सिक्का निकल आए, क्या पता होता है। अरे जीरो बैलेंस है यार। जीरो बैलेंस है तो 50,000 दे दो। 50,000 कहाँ से दे दें, पहले अकाउंट में डालो तो सही। तो दे दो पैसे, मैं डाल देता हूँ। अरे तो दोगे तो आप ना पैसे। हम क्यों देंगे भाई, हम क्या देंगे? किसी को लोन देते हो तो उससे पहले पैसे लेते हो? यार वो अलग प्रोसीजर होता है। ये यार वाला प्रोसीजर अलग क्यों नहीं हो सकता? यू रेसिस्ट, यू मोटिस्ट, मैं बैंक बंद करवा दूंगा तुम्हारा। एक सेकंड, ऐसे कैसे आप बैंक बंद करवा देंगे? हम आपको बाहर करवा देंगे, रुकिए आप। सिक्योरिटी? यस सर। बोलिए किसको बाहर निकलवाना है? पहले डंडा संभाल, दो पीस हो गए तेरे। और जिसको हम लोग अंदर नहीं आने देते उसको तुम लोगों ने बाहर निकालने के लिए रखा हुआ है। देखिए इसको बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बहुत लोगों को बाहर निकलवा चुका है ना। पता नहीं तुम कैसे बच गई। वादा है मेरा तुझे भी लेके जाऊंगा। शक्ल देखिए, शक्ल तो ठीक ठाक ही है, पता नहीं रखा क्यों तुझे शो में। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। वाह अर्चना जी, 5 एपिसोड हुए हैं, मेरी बातें शुरू कर दी इसने। सीखो मुझसे कुछ। गुल्लक कहेगी? चिल्ला कहेगा, गुल्लक किसको बोला तुमने? तेरे को बोला। अरे 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 शमशेर जी आपको क्या हो गया? मैं इमोशनल हो गया यार, दोनों को परफॉर्म करते हुए देख के। बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात का इन्होंने पूरा ध्यान रखा है। क्या? फसाया फिर भी नहीं है। इतना सुन के भी खड़ा है, ढीट कहीं का। ढीट तो बहुत ज्यादा है ये आपको पता है, जब ये पैदा होने वाला था तो इसके मम्मी पापा को पता चल गया, उन्होंने वेदर कास्ट देख लिया था। उन्होंने हनीमून कैंसिल कर दिया, कहते नो दिस वन वी कांट अफोर्ड, ये रिश्वत दे के पैदा हो गया। देखो ये ऐसे ही होते हैं करप्शन वाले बच्चे। अरे ओ फोर्सफुली बॉर्न पुरुष, तुम्हें यहाँ पर बुलाया था इन्हें बाहर निकालने के लिए, निकालो ना। अच्छा ये पीली दाल पे पलने वाला आदमी, ये अब शमशेर सिंह को बाहर निकालेगा। देखिए इतिहास गवाह है कि पीली दाल खाने वालों ने ना बड़े बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। सीधा नहीं बताता कि मेरे दादा बड़ा दादा जो है आम पापड़ बेचते थे, इसके दादाजी वो बनाते थे गोलगप्पे का पानी। हाँ उन्होंने मुगलों के लिए बनाया, उसमें हो गया मीठा ज्यादा, वो फिर उन्होंने इसके दादाजी की सारी शुगर चूस ली। 3 मुगलों ने मिलके 6 दिन में सारी शुगर निकाल ली। वाज करता है, निकलो यहाँ से। देखिए शमशेर जी आप हमें यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते। ऐसे तो निकाल सकते हैं कि तुम्हें ट्रिब्यूट दें, तेरी नाभी में अगरबत्ती लगाऊं मैं? नहीं नहीं मैं अपने पैरों से जा सकता हूँ, आप बुरी चले। दे लो 2 मिनट उस लड़की से बात की, इसने निकलवा दिया उसको बाहर। चल इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगी। 1 मिनट जा रहे हो, जाते जाते कार बनवा लो। इसका कार्ड यार पिछड़ रहे, नेटवर्क रोक रहा है तू। हेलो हाँ जी, स्कूटी चोरी हो गई है तो मैकेनिक को फोन करो।
अच्छा चोरी हुई, एफ आई आर लिखवानी है। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, एफ आई आर लिखवानी है, एक आध कोई बंदा अपने मोहल्ले से ले आना जो लिख पढ़ लेता हो, मेरे को लिखनी नहीं आती। हाँ जी, नहीं इधर आ जाओ, बैंक में यहाँ पे एसी चल रहा है। हाँ वो थाने में गर्मी पड़ी है, एफ आई आर लिखते लिखते लीक हो जाती है। हाँ तो इधर आ जाओ आप, ठीक है। ओए मेरी बात सुन, बोलिए। ये बैंक में ले रहा हूँ आधे घंटे लीज पे, ठीक है, तू गार्ड बन जा, चल। एक मिनट, ऐसे कैसे हम गार्ड बन जाएं यार, और आधे घंटे लीज पे कैसे ले सकते हैं? तू भी तो किसी की एक घंटे की इंटरव्यू में 10 मिनट की एंट्री लेता है लीज पे, तुझे रोका कभी किसी ने? बात मारता है। हाँ पर 10 मिनट में क्या होता है? 10 मिनट में लाखों बन रहे, सब पता मेरे को। हाँ तो चैनल के भी तो करोड़ों बन रहे हैं ना। चैनल की बात पब्लिकली करता है। अगली मीटिंग में मेरे को याद दिलाना, मेरे को कटआउट बनवाना मोटा सा चोटी वाला। नहीं 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 नहीं, हम गार्ड बन रहे हैं, गार्ड बन रहे हैं, जागते रहो, ऐसा गार्ड ठीक रहेगा? कोई सोए? जागते रहो, हट। आप गार्ड हो? हाँ। तो गार्ड बनवा लो। यार एक तो तुम्हारा पति गार्ड बन गया है और तुम्हें गार्ड बनाने की पड़ी है। कौन सा पति? यहाँ पे सिर्फ बॉस। लेकिन 8 बजे के बाद बॉस ही पति है। तो मतलब अब ये मेरे पति हैं? ये क्यों पति है? आप ही ने तो कहा कि 8 बजे के बाद बॉस पति है, तो ये बॉस है ना? ओ हुसनलेस महिला, माना कि मेरा करैक्टर थोड़ा सा गिर जाता है नीचे, लेकिन इतना भी मैं फ्लर्ट नहीं करता। मुंह में तेरे पोहा फंसा हुआ है और आके सरकारी नौकर पे फ्लर्ट कर रही है। कोनी मार के अपनी कोनी तो डुबा लेनी मैंने, तेरा तो कुछ होना नहीं है। चलो काम पे लगो, चलो, चलो। सर मैं तो कब से काम पे लगी हुई हूँ, कार्ड बनवा लो। बना मेरा कार्ड, कार्ड बनवा लो, कार्ड बनवा लो, कार्ड बनवा लो। जाओ अंदर जाके चाय बना। ठीक है सर, मैं अभी बना के लाती हूँ, लेकिन चाय में आप कितने कार्ड लेंगे? तेरे को मैंने कुछ नहीं कहना, मैंने इसकी पूछ की थी। देनी है जा रही हूँ सर। जाओ जाओ जाओ, जाओ। कार्ड बनवाना है बाद में। हाँ, हाँ। हाय। अरे वाह, इधर बैंक खुल गया। हाँ। अब मजा आएगा, आप इधर से ही लूटो और इधर ही जमा करवा लो। आप क्या हंस रही है? आप ही को बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग तो मेहनत का खाते हैं। ओ, चौथे माले तक बनी हुई औरत, कितने पैसे जमा करवाने आई हो? अरे बहुत तो पैसा लाई है। कितना लाई है? कितना क्या लाई है? देख। Oh my God, लाश, बचाओ, अरे लाश। नहीं, नहीं, नहीं मैं जिंदा हूँ। जिंदा लाश, बचाओ, जिंदा लाश। तुम्हारा कत्ल किसने किया लाश? अरे कत्ल नहीं किया है, देखो देखो रिएक्ट करता है, जिंदा है। एक्चुअली ना ये मेरे पास मसाज करवाने के लिए आया था। अच्छा। मेरे को बोलता है आपके पास कौन सा मसाज है? अच्छा। मैंने बोला लॉकडाउन मसाज। अच्छा। तो आप ही की तरफ पूछता है इसमें क्या होता है। मैंने अच्छा। बोला इसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर को इसमें लॉक करते है और इधर लेके आते है, तो लेकर आए। अच्छा। बाबू कितना पैसे है तेरे पास? मेरे पास 50,000। हाँ दे दे। अरे लेकिन तू मेरे? हाँ तू भी तो मेरा है ना, कस्टमर है ना तू मेरा। देख जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो किसी के बाप का नहीं। भाग इधर से। अर्चना जी इसे कहते हैं खून पसीने की कमाई। अच्छा। किसी और की पसीना तो मेरे को बड़ा रोज आता है, अभी भी आ रहा है, पर मेरी इतनी कमाई नहीं है, पता नहीं क्यों। कितने पैसे जमा करवा रही हो फिर? मेरे को ना सिर्फ 5,000 रुपए। पूरे 50 कराओ ना। अरे पैसा मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरे बच्चों का, किसी के बाप का नहीं है। और मैं जो हूँ वो सोनी टीवी का हूँ, और सोनी टीवी के लिए मैं कुछ भी कर सकता है। अच्छा। लेकिन सिर्फ शनिवार और इतवार, मंगलवार को मैं सब टीवी पे भी आ सकता है। अच्छा। तो तुम लोग बैंक के नाम पे बेवकूफ बना रहे? नहीं, हम बेवकूफों के नाम पे बैंक बना रहे हैं। मैं अभी हल्ला मचा के बैंक की पोल खोल देगी। मैं पोल से तेरा हल्ला खोल दूंगा। अरे अरे हो, ये क्या बात हुई? तेरी मसाज में बड़ा जीवन का सार लिखा रहता है। एक आदमी आता है, अच्छा भला बेचारा इंटरव्यू कर रहा होता है, उसके आगे मेरे को ये मसाज बना है, मेरे को ये कर, तेरी मसाज। उस वक्त तो वो आदमी फंसा होता है। हाँ। आज वो आदमी खुला हुआ है। तू कर मसाज। ए सब बातें बंद करो, मेरा पैसा जमा करवाओ करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में कर देंगे, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो गया, हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये क्या बात हुआ यार,
शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है करंट अकाउंट में? आज किसी और ने जोक का पिटारा खोल दिया, इसकी धोती में जेलसी हो गई। मेरे को माँ की याद आ गई। पिताजी ने कहा था माँ के अकाउंट में पैसे डाल देना। हेलो माँ, हाँ तुम्हारे अकाउंट में पिताजी डाल दिए। नहीं नहीं, हेलो पिताजी के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, पिताजी निकाल लेना। यार पिताजी के अकाउंट में कुछ डाला है वो कुछ निकाल लेना। हाँ अनपढ़ माँ बाप, पता नहीं इनके घर में इंस्पेक्टर जैसा विद्वान आदमी कैसे पैदा हो गया, हद होती है। अरे क्या बोल रहे, अरे मेरे अकाउंट में पैसा जमा करवाने का था। वो तेरे अकाउंट में ही जमा करवाया है? अच्छा तो फिर वो रिसीट दो। किस चीज की? अरे वो रिसीट आते है तो फिर कोई मैसेज भेजो, वो मैसेज आता है ना पैसे का, वॉइस नोट आ रहा है बैंक की तरफ से। हाँ। तुम्हारे आ गए। मेरे क्या आ गए? जो तूने डाला था वो आ गया अभी। ये ले एक और भेजता हूँ। अरे ये कैसा मैसेज है रे? हाय। एक मिनट, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो कह रही है कि वो जो बैंक में पैसा डाला है उसका बैलेंस का जो है वो मैसेज फोन पे आना चाहिए। मतलब फोन का बैलेंस होता है वो अलग आइटम हो गया, लेकिन ये जो बैंक में पैसा डलता है वो बैंक का मैसेज फोन पे आता है वो। अच्छा हाँ। मतलब अरे मतलब ये 50,000 रुपया मेरा, मेरे को वापस करो। तुझे फ्री में पैसा चाहिए? इधर लोग मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं इधर, और तुझे पैसे चाहिए? मेरा पैसा मेरे को अभी चाहिए, वरना मैं सोनी से आपको कंप्लेंट करेगी। हेलो गुड्डू, एक 6 फीट का कटआउट बनवाना है। नहीं मैं इधर ही, मैं इधर पोचा मारेगी, मैं इधर ही रहेगी, मैं कैशियर बनेगी, जब पैसा आएगा फिर लेके भागेगी। ओके हाँ। Excuse me, who is the bank manager here? This ATM is not working. This is working, madam. Just enter. Come cross the line. But आप तो इंस्पेक्टर है ना, मुझे बैंक मैनेजर से काम है। देखिए जरूरी नहीं कि एक इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर ही हो। अब देखिए इधर आइए, जैसे ये औरत है, जरूरी थोड़ी सिर्फ औरत ही है, ये किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की पत्नी है, और जिसकी पत्नी है उसी का पति भी है। तो अगर ये औरत होके इतने काम कर सकती है तो हम पुरुष होके पीछे क्यों रहे? But इंस्पेक्टर वो भी बैंक में। देखो आजकल लोग ना बैंक बड़े लूट रहे हैं, इसलिए उन्होंने मैनेजर की जगह इंस्पेक्टर रखे हुए हैं। So this is the इंस्पेक्टर। अच्छा उस हिसाब से तो सारी बैंक डूब भी रही हैं, तो गोताखोर भी रख लो। हाँ तो रखा है ना हमने पंडुपी। ये उसी के लिए। अरे मैडम ये कमाल का है, ये समुन्द्र के अंदर ऐसी फाट मारता है ना, वेल मछली भी ऐसे करके भाग जाती। अच्छा वो वेल थी? हाँ। अब मुझे लगा आप जॉगिंग कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। अरे एक मिनट, मैं जाने का नहीं, एक मिनट रुकिए। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, आपके लिए बैंक मसाज है। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है जो नहीं होना चाहिए उसमें पूछिए, उसमें क्या होता है? इंस्पेक्टर तुमको अजीब लग रहा था, बैंक में मसाज कौन करता है पहले बता। सारा दिन ये शो देखती रहती है और यहाँ आके नाटक करती है, उसमें क्या होता है? टाइम पे ऑडिशन दिए होते आज तुम परमानेंट होती। आप एक कस्टमर से ऐसे बात करेंगे? अच्छा मतलब वैसे करनी है? हाउ मे आई इंप्रेस यू? हाउ कैन आई हेल्प यू होता है? हेल्प करूंगा तो इंप्रेस तो हो ही जाओगी ना, उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। और अगर फिर भी मैं इंप्रेस नहीं हुई तो अगले हफ्ते फिर सब टीवी देख लेना, इधर तो हमारे और भी हैं एक्टर। एक्सक्यूज मी, मेरा ये ATM का प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे कैश निकालना है। पहले एक दो एपिसोड तो करो, आते तुम्हें पैसे निकलवाने हैं। हैं? इधर आओ, आराम से बात करते हैं, इधर आराम से छुप के बात करते हैं, आ जाओ। अरे अरे सर, अरे अरे सर 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 सर, मैं लूट गया सर, मैं बर्बाद हो गया सर। उधर जाके बर्बाद हो, उधर जाके इधर किसी का आबाद हो रहा है, मैं बर्बाद हो गया। अरे सर आपने तो फोन पे कहा था कि यहाँ पर आ जाओ कंप्लेन लिखवाने के लिए। अच्छा वो तुम हो? हाँ सर। मनहूस, इसकी रिपोर्ट लिखो, तब तक मैं मैडम को देखता हूँ। एक मिनट, हम कैसे लिखे, हम पुलिस वाले थोड़ी हैं। मैं तेरा बैंक नहीं संभाल रहा। फिट फॉर टैट फिट फॉर फैट, चलो। अरे गेट आउट हो जाओ यार, हमें नहीं आता ये सब, हम नहीं कर सकते।
अरे आप लिखो ना इसकी रिपोर्ट, मैं जब तक जाके अकेले में मैनेजर साहब से बात कर लूंगी। वो शादीशुदा है 3 बार। मुझे पैसे की बात करनी है। पैसे मेरे पास भी बहुत है। अरे मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं मेरे ही दूंगा। सर मुझे मेरी स्कूटी चाहिए जो चोरी हो गई है। दिखा तेरी स्कूटी का नंबर क्या है। सर सर मेरी स्कूटी का नंबर है MH02002। एक मिनट भाई साहब, आपकी स्कूटी में जितने जीरो लगे ना, हाँ। आपकी स्कूटी चोरी नहीं हुई है, फेल हुई है। हाँ, कोई अच्छी सरकारी बस देकर उसे ट्यूशन पे लगवा दो। ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैं बोल रही है कि इनकी जो स्कूटी में जितने जीरो लगे ना, हाँ, इनकी ये सुना सुना हमने सुन लिया सुना ना हाँ। समझा ना हाँ। तो समझा इसको क्या बोली मैं वापस बता। ये कह रही है कि जितने जीरो लगे हैं तुम्हारी स्कूटी के नंबर में, तो तुम्हारी स्कूटी जो है वो फेल हुई है, वो चोरी नहीं हुई। अरे कैसा आदमी है रे तू, क्या बोल रहा है? स्कूटी कैसे फेल हो सकती है? स्कूटी तो चोरी होगी ना, कैसी बातें करते हैं? अरे यार ये क्या चल रहा है? सर आप मेरी कंप्लेन लिखो ना। तुम रो मत, तुम मत रो। अरे सर, सर ये रो कहां रही है? तो तेरे क्यों आंसू निकल रहे? नहीं रो रही तो उसकी तो स्कूटी चोरी हुई है ना, इसीलिए रो रहा है वो। चोरी तो मेरा दिल भी हुआ है, मैं कहां जाऊं रिपोर्ट लिखाने? बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना आशिकी करते हुए? क्यों, मैं आपको राहुल राय नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। तुम भी बड़ा अनु अग्रवाल लगती हो। सर लेकिन ये आपसे अच्छी लग रही है। तो इससे ले ले स्कूटी, ले 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 स्कूटी इससे, ले ले स्कूटी इससे, ले स्कूटी इसको। मैं कहाँ से स्कूटी दे दूँ? अरे लोन ले लीजिए, हम 7% पे दिला देंगे। पर मेरा लोन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं नहीं अभी तो बताया इंटरेस्ट है, 7% का इंटरेस्ट है। हे भगवान, यहाँ कोई समझदार है? सॉरी सर, मैं अंदर थी। सॉरी मैं अंदर थी। हाँ, और शादी के पहले ये बंदर थी। नहीं जी, शादी के पहले मैं जुलंदर थी। तो क्या चल रहा है? मेरा तो सर दुख रहा है यहाँ पर। आपका सर दुख रहा है? कार्ड बनवा लो। ए, ओ, कौन है? हाथ ऊपर करो। Oh my God, ये तो डाकू लग रहे हैं। Wow, उन्होंने कोई हिंट भी नहीं दिया, फिर भी आपने पहचान लिया। Wow. ए डरोगा? तनिक डरो। मंगल डाकू ने कब्जा किया इस बैंक पर। मंगल डाकू। देखिए आप मंगल डाकू है ना, तो प्लीज मंगलवार को आना, क्योंकि शनिवार को और एतवार को हमारा पर्सनल मंगल डाकू आता है लूटने के लिए। और डाकू जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमने नॉर्मली देखा है कि डाकू तो ऐसे घोड़े पे बैठ के आते हैं ना। जी जनाब, आना घोड़े पे ही था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से घोड़े ने हमें मना कर दिया। तो इसलिए हमने स्कूटी उठाई रस्ते से और उस पे आ गए। सर 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 सर, वो मेरी स्कूटी चोरी हुई है, इन्होंने किया सर। तुम मुझे क्यों बता रहे, पुलिस को बताओ। पुलिस हो? अरे आप खुद पुलिस है सर। अच्छा, तो पुलिस स्टेशन फोन करो ना, मैं फिर फोन उठाऊंगा, फिर उस हिसाब से ना मैं फोन लगाती हूं। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमारे बैंक में डाकू आ गए, जल्दी आओ। सॉरी मैं किसी काम से बाहर बैंक आया हूँ, कल फोन कर लेना। ये क्या बात हुई, मना कर दिया? डाकू मंगल जी, मैं तो ना आपकी टीम में हूँ, ये लोग कब से मेरे पैसे नहीं निकाल रहे हैं, प्लीज आप निकलवा दीजिए, ये मेरा ATM कार्ड है। वो क्या रहा यार, तुम कुछ करती क्यों नहीं? हाँ एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग। कान खोल, बोल रही कान खोल। मेरी लाश पे गुजरने से पहले तुम्हें ये बैंक लूटना होगा। अरे अरे आप उल्टा बोल रही हो। तो सीधा बोल के तू लुढ़क जहाज। मैं नहीं मरने वाली ये बैंक के चक्कर में। ए! ए! हमें जानते नहीं। वैसे कैसे जानते, पता है हमें तुम भूरी हो, ये डाकू है, सालों से हमें लूट रहे है। हाँ लूट रहे है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम हमारे घी की तरफ उंगली करके तो देखो, मैंने तुम्हारे सारे कार ना फाड़ दिए तो कहना। मेरे पास कार्ड है ही नहीं। है? तो कार्ड बनवा लो। कार्ड बनवा लो। कार्ड बनवा लो। तू क्या बनी हुई है? ये मंगल डाकू, मंगल डाकू। अरे नहीं दीदी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, अब तुम हमारे लिए मंगल डाकू ही हो। हाँ, अरे मंगल डाकू, अब तुम लोग का खून है ना लेमन सोडे की तरह थर से खोल के फर से पी जाएगी ये सपना। शमशेर साहब, मैं बोलती अभी के अभी गोली चला दो। गोली नहीं चला सकता मैं। काय को? है ही नहीं। सुनो, तुम इधर आओ।
तू वैसे नहीं अच्छी लगती, ऊपर से मूछे लगा के आ गई। हट इधर आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे होने वाली भागम भगाई, तो आज तुम आई हो पहली बार, मेरे साथ भाग चलो, पैसा मेरे पास बहुत है, बहुत ज्यादा, बहुत पैसा है, कार्ड बनवा लो, चलो 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 चलो। दीदी अरे यार भागो, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.